So say bye bye summer with Reliance Digital. ₹1 mein. पापा, ये क्या कर रहे हो पापा? बेटा मेरे पैर में पता नहीं ये कैसे लग गया। पापा ये आप ही का जूता है पापा। ये मेरा जूता है? हाँ। तो फिर ये किसका है? पापा ये दोनों आप ही के जूते हैं पापा। मैं बात कर रहा हूँ पापा से, चुप हो जाओ। पापा दोनों आपके हैं। बेटा ये दोनों जूते मेरे हैं। लेकिन मैं तुझे बताते हुए दुखी हो रहा हूँ, इनकी आपस में बनती नहीं। एक आगे जाता है, दूसरा साथ मिलके नहीं चलते कभी भी। आबा, एक दिन ना देखना, ऐसे कूद के साथ चलेंगे, मैं करा के रहूंगा। पापा, मुझे एक बात बताओ कि कलर्स के जमाने में आप ये ब्लैक एंड व्हाइट बन के क्यों घूम रहे हो पापा? बेटा मेरी फिल्म है शालीमार, मुझे उसकी शूटिंग पे जाना है, घर से पहन के आया हूँ। पापा वो 40 साल पहले रिलीज होके हिट हो गई। क्या? शालीमार रिलीज होगी, मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे वीरू जी, अर्चना जी, आप भी वीरू, मैं भी वीरू, दो दो वीरू बैठे हैं, जय एक भी नहीं। लगता है शोले की शूटिंग पे गया होगा। पापा शोले भी 33 साल पहले रिलीज होके हिट हो गई। वो भी रिलीज होगी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। खैर अर्चना को बोल दो कि वो बहुत अच्छी लग रही है। पापा आप खुद ही बोल दो। नहीं बेटा, मैं सीनियर हूं, मैं डायरेक्ट बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। अर्चना जी, बीरू जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ पापा। बेटे हाँ। वो जो नालायक आदमी है जिसका नाम सुनते ही हाथ में जूता आ जाता है, वो कहाँ है? कौन? प्रोफेसर LBW। बेटा अगर आज वो यहाँ पे होता, मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। कौन सा सवाल पापा? जब स्टेडियम में मोहल्ला नहीं होता तो फिर गली कहाँ से आ जाती है? पापा पॉइंट पे आओ, पापा पॉइंट पे आओ। बेटा गली की बात खत्म नहीं हुई, तू पॉइंट पे आ रहा है। मेरे जी, मैं क्रिकेट में आना चाहता हूँ, तो आपको कैसे लगता है कि क्या बनूं, क्या करके आऊं? हाँ, क्योंकि मेरे पापा बेस्ट हैं, वो खुद ही शॉट मार के खुद ही कैच कर लेते हैं। उसके लिए थोड़े लेट नहीं हो गए आपके पापा? मैं अंपायर बनना चाहता हूँ। लेकिन पापा आप अंपायर एक ही शर्त पे बनेंगे। बोलो बेटा। अगर आपके लिए वहां पर बैठने के लिए कुर्सी लगाई जाएगी। आपने तो बड़ी बड़ी हसेनाओं का कैच पकड़ा है, तो आप फील्डर क्यों नहीं बनते? फील्डर मैं बन जाऊंगा वीरू जी, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मैं बॉल के पीछे नहीं भागूंगा, बॉल मेरे पीछे भागेगी। पापा आप ठीक कह रहे हो पापा। पापा फिर आप विकेट कीपर बन जाओ, खड़े रहना, बॉल अपने आप आपके पास आएगी। बेटा मैं विकेट कीपर बन जाऊंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। क्या? मैं बैट्समैन के आगे खड़ा होऊंगा। मैं किसी के पीछे। ठीक है पापा। पापा तो आप एक काम करो, आप कमेंटेटर बन जाओ पापा। उसमें क्या करना होता है? कुछ नहीं पापा, देख के दूसरों को बताना होता है कि क्या चल रहा है। बेटा मैं कुछ भी करूंगा, चुगली नहीं करूंगा। पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। मैं बताऊं आप 12th man बन जाइए। मैं 12th man बन जाऊं? बड़ा आसान काम है। ठीक है, तो 12th man बन के मैं टीम को हराऊंगा। पापा टीम को हराना नहीं होता पापा, टीम को जिताना होता। बेटा वो मुझे 12th man बना रहे हैं, मैं उनकी टीम को क्यों जिताऊं? मेरा सोचा पापा आपको क्या बनना मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिए जा रहे। मुझे कुछ समझ में
रहा है पापा। ये क्यों बोल रहा है बेटा, ये क्या है? पापा मुझे भी दामिनी के शूटिंग पे जाना है। बेटे दामिनी तो कब की रिलीज हो गई, हिट हो गई। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं पापा? मुझे भी कोई नहीं बताया, हमारे साथ ठगी हो रही है। पापा नीरू जी, आप डांसर हैं कि नॉन डांसर हैं? मैं क्रिकेटर। नहीं वैसे अगर क्रिकेट में भी जब विकेट लेने के बाद डांस वांस करते हैं तो डांसर हैं कि नॉन डांसर हैं आप? मान लीजिए आप डांस नहीं, एक बात का जवाब तो दीजिए, पंजाब जब मैच जीत जाता तो क्या करते हैं आप? मैं डांस नहीं करता, मेरी टीम वाले डांस करते हैं। तो आप नॉन डांसर हैं? नॉन डांसर। आप भी नॉन डांसर हैं, मैं भी नॉन डांसर हूं। पापा खूब जमेगा रंग जब नाचेंगे तीन नॉन डांसर। गाना बजाओ। नकली बेटे तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? पापा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा पापा, यहाँ हैंडपंप नहीं दिख रहा पापा। बेटे टेंशन ना ले, ये चेयर उखाड़ ले। जी पापा। प्रोफेसर साहब से भी दो कदम आगे निकले। बिल्कुल कीपर बनेंगे लेकिन बैट्समैन के आगे दोनों खड़े होंगे। भूलने की बीमारी थी।